और तुम अंकारा क्यों जा रहे हो? मैं कुछ वक्त से अपनी बीवी के साथ नहीं रह रहा हूँ, वो मुझसे तलाक चाहती है। और बताओ, सुना तुम्हारा तलाक होने वाला तुम्हारी बीवी के साथ है? मेरा तलाक हो चुका है 2.5 साल पहले। मुझे पता चल गया वो लड़की कोमा में क्यों है। क्या पता चला है? आपने उस पर गलती से गोली चलाई। ये हैंडराइटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या लिखा है इस पर? हम दो हैंडसम लड़के थे, हमेशा साथ रहते, बहुत गहरा रिश्ता था। तुमने गोली क्यों नहीं चलाई? वो बहुत सारे लोग थे, किसी की गलती याद आ गई। बेशक वो कोई आम आदमी नहीं है, बहुत कॉन्फिडेंट, हर काम बहुत सोच समझ कर करता है। कोई ना कोई सुराग तो जरूर मिलेगा। आप ये कहना चाहते हैं कि कातिल सामने आना चाहता है? फिलहाल तो उसके अलावा कोई दूसरी वजह नजर नहीं आ रही है। चीफ, मुझे लग रहा है कुछ और बच्चे भी होंगे। मॉर्निंग चला है, सॉरी आपको डिस्टर्ब किया। हमारी टीम को वो लड़का कल रात में मिला, वो सड़क पर एक खिलौनों की दुकान के सामने खड़ा था और खिलौनों को देख रहा था। किसी ने गुमशुदगी की कोई रिपोर्ट नहीं लिखवाई है। मैं उस लड़के को आपके पास ला रहा हूँ, मैं चाहता हूँ आप उससे बात करें। ठीक है, तो फिर मिलते हैं। पता चल गया सर, वो नंबर प्लेट नकली थी। पता था। एक काम करो, पता लगाओ यहाँ उस मॉडल की कितनी गाड़ियां हैं। ध्यान से देखो, ये वही टी शर्ट है ना जो टाइफून ने पहनी थी? हाँ सर, मुझे भी वही लग रही है। शुक्रिया। अपनी अम्मी, मतलब हमारी अम्मी को भी तो बुलाओ। वो नहीं आई, मैंने मना कर दिया। गुस्सा करती हैं क्योंकि तुम्हें बहुत चाहती हैं और वो बहुत दखल देती हैं। मैं आज भी तुमसे नहीं मिलने वाली थी पर वो पीछे पड़ गईं। एक बार मिल लो, एक बार मिल लो।
देखो, इन सब के लिए तुम जिम्मेदार बिल्कुल भी नहीं हो, बल्कि मैं जिम्मेदार हूँ। मैंने इस बारे में बहुत सोचा। मैं तुमसे प्यार करती हूँ, पर इस तरह साथ नहीं रह सकती हूँ। तुम्हें लगता है तुम किसी और से प्यार करते हो और फिर भी मैं तुम्हारे साथ रहूंगी? इस तरह एक दूसरे का दिल दुखाने का कोई मतलब नहीं है। मुझे अपने आप को उसी वक्त रोक लेना चाहिए था। हम दोनों एक नई जिंदगी शुरू कर सकते हैं, पर हम दोनों, मुझे अपने आप को, अगर बच्चे होते तो मजबूरी में साथ रहना पड़ता। इस हिसाब से खुशनसीब हैं हम। क्या पता, हो सकता है कि मैं एक अच्छा पिता ना बन पाता। तुम पहले ही अच्छे फादर बन चुके हो, नूरिये के लिए, सितारे के लिए, विक्टिम्स के लिए, गैरों के लिए। शायद हम पहले जैसे नहीं हो सकते। सैफी, जरा एक मिनट रुकना। ये लो, शायद तुम्हें इसकी जरूरत पड़े। तो अंकारा कैसा लगा? तुम्हारे लिए अच्छा है? मैं तो चाहती हूँ हम दोनों के लिए अच्छा हो जाए। मैंने तुम्हें किसी के साथ देखा था। किसके साथ? जब मैं घूम रही थी तो मैंने देखा तुम एक खूबसूरत औरत से बात कर रहे थे। सवाल पूछने का हक सिर्फ तुम्ही को नहीं, औरों को भी है। तुमने अपने पापा से बात की क्या? अभी तक तो नहीं की है। जब फोन आया था तो उठाया नहीं, फिर बाद में मैसेज। मैं इस मामले में थोड़ी अजीब हूँ। पहले रोती हूँ, चिल्लाती हूँ और फिर सब भूल जाती हूँ। मैंने जवाब दे दिया, अब तुम्हारी बारी है। मैंने अभी अपनी वाइफ से बात की। और कुछ? क्या बात है, क्या जवाब है? वो नंबर प्लेट नकली थी, तो हमने शहर में उस मॉडल की सारी गाड़ियों की लिस्ट बनाई। हो सकता है वो गाड़ी कहीं बाहर से आई हो। नहीं कमिश्नर, हम सारी सीसीटीवी फुटेज देख चुके हैं। अच्छा, तो और कुछ? उन गाड़ियों के ओनर्स में से एक का क्रिमिनल रिकॉर्ड है। वो एक स्कूल बस का ड्राइवर है। किस तरह का रिकॉर्ड? उसने एक शादी में कुछ लोगों के साथ मारपीट की। तो कोई सेक्सुअल क्राइम नहीं है? हाँ नहीं, वैसा कुछ नहीं है। वो एक प्राइवेट हाई स्कूल की बस चलाता है। सोच रहा हूँ एक बार उससे मिल लें। अच्छा ठीक है, ये लो, सैफी को आने दो, वो बताएंगे आगे क्या करना है। ठीक है, तुम जा सकते हो। आप वापस आ रहे हैं चीफ? हाँ, एक घंटे में पहुंच जाऊंगा। सब ठीक रहा? हाँ ठीक ही रहा। चलो कुछ तो ठीक रहा। यहाँ कल जब मैं हॉस्पिटल में था, उन्होंने हमारे फोरेंसिक एक्सपर्ट सरहाट को गोली मार दी। ओह माय गॉड, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? फोन करना चाहिए था। मैं रास्ते में हूँ, पहुँच कर बात करता हूँ। ठीक है चीफ, आप आ जाइए, फिर सस्पेक्ट से बात करेंगे। फिर से कुछ हो गया है क्या? हर वक्त इस गुड़िया से खेलता रहता है, इसके बाल संवारता रहता है।
इसके बाल कलर किए गए हैं। लड़के गुड़ियाओं से नहीं खेलते हैं और कोई भी लड़कों के बालों को गोल्डन रंग से डाई नहीं करता। ये नया जमाना है। हाँ, पर फिर भी मैंने कभी नहीं देखा है कि किसी ने इतने छोटे लड़के के बाल डाई करवाए हों। कभी कभी लोग अपनी फ्रस्ट्रेशंस अपने बच्चों पर निकालते हैं। हो सकता है उसकी माँ अपने बाल कलर करवाना चाहती हो पर उसे मौका नहीं मिला हो। अभी तक फैमिली का कुछ पता नहीं, हो सकता है कमजोर दिमाग की वजह से घर से निकाल दिया हो। तुमने इसके बाल क्यों धो दिए? बहुत जुए थी डॉक्टर, फिर भी एक बार पूछ लेना चाहिए था। हाय, मेरा नाम टुले है। हेलो हैंसम, तुम्हारे बाल धोने के बाद और अच्छे लग रहे हैं। ये तुम्हारी दोस्त है ना? बहुत बहुत शुक्रिया। पूरे रास्ते तुम बहुत चुप चुप थे, उस फोन कॉल की वजह से या फिर इस बात पर नाराज हो कि मैंने तुम्हारा पीछा किया? तो तुम मेरा पीछा कर रही थी पर मुझे लगा कि ये इत्तेफाक है। पता है मैंने अपने फोन से तुम्हारी फोटोज भी ली हैं। मुझे पता है तुम जल्दी में हो, हम बाद में जरूर बात करेंगे। तुम्हारे साथ वक्त बिताकर मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं चलता हूँ। खिलौने के अंदर से कविता निकली थी, सुनाई थी पर मुझे याद नहीं है, दो बच्चों के बारे में। वो किसी ने ऐसी कविता क्यों लिखी और वो वीडियो शेयर क्यों किया? जिस आदमी ने मुझे मारा था उससे अजीब सी महक आ रही थी और वो महक जो फोरेंसिक एक्सपर्ट के कातिल के कोर्ट में थी उसे एनालिसिस किया जा रहा है। यहाँ कभी कभी गोबर की महक आना आम बात है, उसकी आदत है, पर वो कविता किस लिए? डॉक्टर ने उसे रोकने की कोशिश की, जब मैं वहाँ पहुँचा हर तरफ खून ही खून था, वो कातिल भी जख्मी हुआ होगा। हमने सारे हॉस्पिटल और क्लिनिक्स में पता किया, ऐसा कोई केस नहीं आया है। सबसे पहले वो तुम्हें मारता है, फिर मैसेज और वीडियो भेजता है, इन सब का मतलब क्या हुआ आखिर? यही ना कि मुझे पकड़ सकते हो तो पकड़ लो, वो हम पर दबाव डाल रहा है। पर उसने डॉक्टर को क्यों मारा? अब ये तो उसे पकड़ने के बाद ही पता चलेगा। हो सकता है कि वो कुछ और ही करना चाहता हो। किसी बच्चे के गुम होने की कोई रिपोर्ट नहीं लिखवाई गई है, सारे पुलिस स्टेशन में पता किया, कुछ नहीं। ऐसा लग रहा है कि उसका हत्याओं से कुछ संबंध है पर प्रोफाइल में फिट नहीं हो रहा, काफी बुजुर्ग है। बच्चों के कपड़ों से इतना तो पता चल ही रहा है कि कातिल के सिर पर किसी तरह का जुनून सवार है। इसकी टी शर्ट बिल्कुल तैफून की टी शर्ट जैसी है, ये इत्तेफाक नहीं हो सकता है। तुम सही कह रहे हो, ये इत्तेफाक तो नहीं हो सकता। अभी उससे बात करना ठीक नहीं होगा, हम चाहते हैं कि वो कुछ समय तक किसी से कोई बात ना करे। ऐसा भी हो सकता है कि उसकी फैमिली ने उसके साथ अच्छा सलूक ना किया हो। उसके शरीर पर कोई चोट का निशान तो नहीं है, जैसे कि किसी ने उसकी पिटाई की हो? ऐसा कुछ नहीं है। प्रॉब्लम यह है कि वो इतना डरा हुआ है कि किसी से बात करने को तैयार ही नहीं है। अभी ये कहना भी मुश्किल है कि वो कैसे रिएक्ट करेगा। हो सकता है कि वो घर से भाग गया। अगर ऐसा है तो शायद उसे अपने घर का पता याद नहीं है। हो सकता है उसके पेरेंट्स खुद सामने आ जाएं। उन्होंने उसके बाल गोल्डन कर दिए चीफ, ऐसा ध्यान खींचने के लिए किया जाता है ना? पेरेंट्स का पता नहीं है और वो खुद ऐसा कर नहीं सकता है।
देखने में ठीक लगता है। अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी। हेलो, ठीक है आ रहे। तुमने उसे पकड़ा क्यों नहीं? कमिश्नर साहब ने कहा जो करना है आप करेंगे। इस दौरान कुछ हुआ था क्या? मैं उस पर गोली नहीं चला पाया, वहां बहुत लोग थे, मैंने गोली नहीं चलाई। तुमने ठीक किया। तो मुझे अभी उस कातिल के बारे में बताओ। हाइट लगभग मेरी जितनी है, उससे ज्यादा फिट और मस्कुलर है। अंदर है क्या? नहीं सर, हमने दरवाजा नॉक किया, अंदर कोई नहीं है। तो फिर हमें क्यों बुलाया? कमिश्नर साहब ने कहा था कैप्टन का इंतजार करने का। क्या हुआ? मैं भी बड़ा होकर पुलिस इंस्पेक्टर बनूंगा। हाँ जरूर बनना। और मैं टेररिस्ट को मारूंगा। नाम क्या है तुम्हारा? मुकर्रम। मुकर्रम, उस आदमी को ढूंढ रहे हम जो यहाँ पर रहता है। कोई शादी है क्या? कहाँ मिलेगा वो? मुझे नहीं पता। लग रहा है जैसे वो कोई म्यूजिशियन है। तभी वो लड़का पूछ रहा था कोई शादी है क्या। हो सकता है, गाड़ी में डफली भी थी। वो यही है क्या जिसका तुमने उस दिन पीछा किया था? ऐसे पता नहीं चल रहा है, सामने देखकर बता पाऊंगा। महक ऐसी थी क्या? नहीं, ये वीड है। वो महक इससे बहुत अलग थी। मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। कौन हो तुम लोग? भाई आराम से, हम तुमसे मिलने आए थे। हमने बेल भी बजाई पर तुमने बेल कैसे बजाई जबकि यहां के दरवाजे पर बेल है ही नहीं।
तुमने अपनी गाड़ी को लॉक नहीं किया था, दरवाजा भी खुला हुआ था। दरवाजा खुला था, दरवाजा खुला था और तुम अंदर घुस गए, ये कहां का तरीका है? चलो बाहर निकलो यहां से, यहां से जल्दी बाहर निकलो वरना गोली मार दूंगा। सुना नहीं तुम लोगों ने? देखो तुम हमें गलत समझ रहे हो, हमारा तुम्हारे घर में आने का कोई इरादा नहीं था, पर दरवाजा खुला था। भाई हम पुलिस वाले हैं, समझे, हम यहाँ तुम्हारे लिए आए हैं। मुझे एक बार हिलो मत, हाथ ऊपर, हाथ ऊपर, मैंने कहा हाथ ऊपर, नीचे बैठो, मैंने कहा नीचे बैठो, नीचे बैठो। उन्होंने मेरी शिकायत की थी, हाँ, मेरी रिपोर्ट लिखवाई थी, मेरे बारे में बकवास कर रहे थे। किसी ने कुछ भी नहीं कहा, हम ये देखने के लिए अंदर आए थे कि तुम्हें कुछ तो नहीं हो गया। मुझे पता है तुम लोग मेरे पड़ोसियों के सामने जलील करोगे, मुझसे मेरा घर छीनोगे। तुम लोग तो कुछ भी कर सकते हो, मेरी कोई हैसियत नहीं है, कोई हैसियत नहीं है। तुम लोग चाहते हो कि मैं मर जाऊं, चाहते हो ना? तुम लोग तो यही चाहते हो कि मैं मर जाऊं। अब तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो? हाँ, मैं तुम्हें मारूंगा तो भी फंसूंगा, नहीं मारूंगा तो भी फंसूंगा। इसका पीछा क्या था तुमने? नहीं, ये वो नहीं है। अजय मैं जान से मार सकता था, घुटनों पर बिठा दिया था। नूरी, इसके कपड़े बदल देते हैं, मैं नहीं चाहता कि इसके पड़ोसी इसको ऐसे देखें। हरामी कहीं का। यहाँ आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हॉस्पिटल का बजट बहुत कम कर दिया गया है और लोग चाइल्ड साइकेट्री वार्ड को फिजूल की चीज समझते हैं। मुझे देखा भी नहीं, पर तुमसे अच्छी दोस्ती, बाकी बच्चों से अलग रखती हो इसे? मैं इन्हें अलग रखने के हक में नहीं हूँ, सबसे मिलना जुलना जरूरी होता है। मेरी कोशिश होती है कि सब तरह के बच्चे एक साथ रहें। हम इन बच्चों को सबसे अच्छी तालीम देने की कोशिश कर रहे हैं। आजकल इस्तांबुल में भी यही तरीके इस्तेमाल हो रहे हैं। मिस टुले मेरी चैरिटी को मेरे लॉयर संभालते हैं, वो आपको फोन करेंगे और आपकी हेल्प करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया मिस्टर अब्बास। मैं बहुत नशे में था, मैं आप दोनों से माफी चाहता हूँ। तुम्हारे पास उस राइफल का लाइसेंस है? तुमने पुलिस ऑफिसर्स को धमकी दी और मारने की कोशिश की, हम मर जाते तो? कब से बेरोजगार हो तुम? लगभग 5 महीनों से। तो 5 महीनों से खर्चा कैसे चल रहा है? मेरी कुछ सेविंग्स थी, मेरा बड़ा भाई भी अंकारा में है, बीच बीच में पैसे भेजता है और शादियों में भी जाता है। शादियों में क्या करते हो? मैं फोक सॉन्ग्स गाता हूँ, लेकिन असल में मैं डांसर हूँ, कहते हैं तो डांस कर लेता हूँ मैं। मैं समझा नहीं। उसे डांसर बॉय कहते हैं, मेल बैली डांसर हूँ। कल तुम गाड़ी में कहाँ पर गए थे? नहीं, उसमें पेट्रोल नहीं है, वो 2 हफ्तों से वहीं पर खड़ी है। ये काम कितने सालों से कर रहे हो? मेरा बड़ा भाई सास बजाता है, हम साथ में ही काम करते थे, मैं ये 9 या 10 साल की उम्र से कर रहा हूँ। अच्छा, तुम्हारे डांस के दौरान कभी
किसी बुजुर्ग ने तुम में दिलचस्पी दिखाई? मैं कुछ समझा नहीं। मतलब कि सेक्सुअली किसी ने तुम्हारे पास आने की कोशिश की हो? आप ये सब इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि बच्चों के कत्ल हुए? कभी कभी ऐसी चीजें D533 हो जाती हैं। उसके बाद केस चला D570 और फिर उसके बाद मैं जेल चला गया। लड़की बन के रहना बिल्कुल आसान नहीं होता चीफ। तुम मुझे ये बताओ कि उन बच्चों के कातिल के बारे में तुम्हें कुछ पता है? नहीं, पता होता तो आपको बता देता, लेकिन पुलिस को नहीं बताता, उसे खुद मारता। डॉक्टर, शिफ्ट खत्म नहीं हुई? घर नहीं जाना है? पूछा भी तो किसने? मेरी मजबूरी होती है, आप खुद रुकती हैं। वैसे डॉक्टर हो तो आप जैसी। वो लड़का कैसा है? नई जगह है, नए दोस्त हैं, नया खाना है, एडजस्ट होने में थोड़ा वक्त लगेगा। सुनो तुले, मैं कोशिश करूं? आप? हाँ, मैं बोलने में एक्सपर्ट हूँ। ये कोई दुकान नहीं है जहाँ ग्राहकों से बात करनी है। बुरा मत मानना, पर मैं आपको उससे बात नहीं करने दे सकती हूँ। हम एक और सदमे का रिस्क नहीं ले सकते हैं। तो मैं उससे बात कब कर सकता हूँ? अब हम एक और रिस्क नहीं ले सकते हैं। इसमें टाइम बताना बहुत मुश्किल होता है नूरी। मुझे ये भी नहीं पता है कि उसे हुआ क्या है, इसलिए टाइम लगेगा। बहुत? जितना आप सोच रहे हैं उससे कहीं ज्यादा। मैं उसे एक फोटो दिखा सकता हूँ? नहीं, बस एक बार। नहीं। अच्छा, आप दिखा दो। मैंने मना किया ना, मैं बीच में नहीं आऊंगा। बस अब आप जाइए, बहुत काम है। गुड नाइट। तुम अचानक से यहाँ पर क्यों आए हो? अरे यार, कभी तो अपने दोस्त को देख के मुस्कुरा दिया करो भाई। हाँ, ऐसा क्यों करते हो सैफी? चाहे खुशी हो या गम, मैं अपने दोस्तों का साथ कभी नहीं छोड़ता, कभी भी नहीं। जिया, तुम जाओ यहाँ से अभी। अच्छा ये बताओ, ये लड़की तुम्हारी क्या लगती है? स्पेशल वार्ड बुक किया इसके लिए? आखिर इतनी मेहरबानी किसके लिए? ये इतनी अहमियत क्यों रखती है तुम्हारे लिए? हाँ जिया, मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। मेरी आंटी के बेटे ने बताया था कि पहले टूरिज्म से जुड़े लोग अब एक हॉस्पिटल के मालिक हैं और कहते हैं कि इस धंधे में बहुत पैसा है। हालांकि वो सिर्फ बेड और पिलो देते हैं, ये पूल और ओपन बुफे वगैरह कुछ नहीं। ये स्पेशल वार्ड कितने का है? मैं तुम्हारे पैसे बचाना चाहता हूँ और तुम मुझे घूर रहे हो। तुम बहुत ज़्यादा पैसे खर्च कर रहे हो सैफी, मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। समझ रहे हो ना तुम मेरी बात को? अरे यार, हाँ, तुम तो मुझे ऐसे देख रहे हो जैसे कि मैं तुम्हारा दुश्मन हूँ। अगर मैं बुरा इंसान होता, अगर मैं इस बात से नाराज़ होता कि तुम मुझसे बात नहीं करते हो, तो मैं फिर ये प्लग खींच देता, समझ रहे हो ना? हाँ, और ऐसे ख्याल तुम्हारी वजह से आ रहे हैं मेरे मन में। मेरे लिए ऐसा करना कोई बड़ी बात नहीं है।
इतनी हिम्मत कमीना, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। छोड़ो मुझे, बचाओ मुझे, ये मुझे मार रहा है, बचाओ मुझे, मुझे बचाओ, ये मार रहा है मुझे, छोड़ मुझे। ये सब क्या हो रहा है सैफी, ये अच्छी बात नहीं है। जानते हो मुझे आधी रात में चीफ मेडिकल ऑफिसर का फोन आया, मैं बहुत ही ज्यादा घबरा गया था सैफी। फिर उन्होंने मुझे बताया कि क्या हुआ, मैं सोचने लगा कि आपको इतना गुस्सा किसने दिलाया होगा। आप बताओ मुझे। नहीं रुक जाओ, आप क्यों बताएंगे, कोई बात नहीं, मैं उसी से पूछ लेता हूं। उसको मेरे पास भेजो, मुझे कुछ पूछना है उससे, उसको जल्दी से मेरे पास भेजो। उसी से पूछता हूं कि हुआ क्या था, कोई वजह रही होगी जो आपको गुस्सा आया, लेकिन मेरे हिसाब से फिर भी नहीं आना चाहिए था। एक पुरानी बात है जिसको भूलने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है। देखते हैं, आ जाओ। हाँ आ जाओ, कौन हो तुम? हाँ, पुलिस वाले के साथ तुम बदतमीजी करते हो? वो कमिश्नर साहब, इनको मेरा एक पुराना कर्ज चुकाना है। जब मैंने वो बात कही तो ये बुरी तरह भड़क गए और मुझे मारने लग गए। ये क्या बकवास कर रहे हो, कौन सा कर्ज? अरे ये क्या बोले जा रहा है सैफी? इसका एक रिश्तेदार पुलिस में था, माफिया से रिश्वत लेते हुए मैंने उसे गिरफ्तार किया। हाँ साहब, ये रिश्वत कह रहे हैं उसे, पर वो पैसे तो कभी मुझे मिले ही नहीं। मतलब कोई नहीं जानता कि वो पैसे कहाँ हैं या किसके पास हैं या कहाँ रखे हैं, है ना कैप्टन सैफी? सही कराऊ ना, मेरा ब्रदर इन लॉ बेवजह जेल में पड़ा हुआ है। मैं चीफ से उस पैसे के बारे में इसलिए पूछता हूँ क्योंकि मैं इस मामले के तह तक जाना चाहता हूँ, ताकि वो जेल से बाहर आ जाए। उसकी बीवी है, बच्चे हैं, और वो सब बहुत परेशान हैं, और उनकी देखभाल करने वाला कोई नहीं है, और आप सुन ही रहे मेरी। अनाप शनाप बगना बंद करो जिया, गुस्सा मत दिलाओ। ये किस तरह की बातें कर रहे हो तुम? हाँ, ये कोई तरीका है पुलिस वाले से बात करने का, जिस तरह से तुम बातें किए जा रहे हो? हाँ, वहां पर जज हैं, वकील हैं, इस पुलिस वाले ने क्या किया है? सिर्फ अपना फर्ज निभाते हुए गिरफ्तार किया उसको। अगर बेगुनाह होता तो छूट जाता ना। अरे तुम तो माफिया की तरह हो, पुलिस अपना काम नहीं करेगी तो पुलिस पर भरोसा कौन करेगा? हाँ, अगर फिर से इस तरह की बेहुदा बात की ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, मैं तुम्हें बता रहा हूँ। पुलिस की इज्जत करना सीखो, आई बात समझ में तुम्हें? जी हाँ कमिश्नर साहब, एकदम सही कहा आपने, मुझसे गलती हो गई, मुझे अपना हाथ डी से हटो, पीछे हटो, हट जा, दूर हो जा मुझसे, बस एक बार, अब फिर से ऐसी बात मत करना, समझ गए ना? वरना इस बार खेल खत्म ही कर दूंगा, समझा? अब मैं आपसे वो बात कभी नहीं करूंगा कैप्टन सैफी। आप मुझसे कुछ कहना चाहते हैं कैप्टन सैफी? अरे तुम अभी तक बकबकी करे जा रहे हो, अभी तक निकले नहीं, चलो निकलो यहाँ से। जी 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 जा रहा हूँ, ओए जा रहा हूँ मैं। मैंने ये सब जानबूझकर किया ताकि वो आपके खिलाफ रिपोर्ट ही ना लिखवाए, वो भी पहले पुलिस में था। अगर अपने जानवर को बांध कर ना रखो तो पड़ोसी का आंगन गंदा ही करता है ना सैफी? तुम्हें तो पता ही है कि हमारे पास कैसे केसेस हैं, कितने सारे चैलेंजेस हैं, तुम तो देख ही रहे हो। कोई दिक्कत हो तो मुझे बताया करो, मैं देख लूंगा। या वो नूरी है ना, वो किसके लिए? हाँ उससे कहा करो, वो सब संभाल लेगा, तुम समझ रहे हो ना? तुमसे कुछ कहना है तो फिर जल्दी से अंदर आ जाओ, कोई सुन लेगा। निहाल, मैंने तुम्हें दुख पहुंचाया, जबकि ऐसा कोई इरादा नहीं था, जो हमने किया वो गलत था, वो सब मेरी वजह से हुआ, इसलिए मैं माफ़ी मांगना चाहता हूँ। और मैं ये सामने आकर करना चाहता था, फ़ोन पर कहना ठीक नहीं लग रहा था। माफ़ी मांगने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो गलत था तो मैंने किया। नहीं ऐसा नहीं है, अगर किसी को पता चल गया तो हम दोनों को दिक्कत होगी, पर तुम्हें ज़्यादा होगी। तुम मेरे पास नहीं आती हो, मैं तुम्हारे पास आता हूँ। तुम्हारी ज़िंदगी पहले ही बहुत मुश्किल है निहाल,
तुमने बहुत कुछ झेला है। तुम बहुत हिम्मत वाली औरत हो और मैं तुम्हें खुश देखना चाहता हूँ निहाल। तुम्हारा शुक्रिया। याद रखना कि मैं हूँ। हो सकता है तुम्हारे दरवाजे पर ना हूँ, पर मैं तुम्हारे लिए हमेशा हूँ। जानती हूँ। चलो। नहीं बिल्कुल नहीं। हाँ तुम चले जाओ। चीफ, आप अंधेरे में क्या कर रहे हैं? क्या हुआ? आप ठीक हैं चीफ? मैं भी ऐसे पूछ रहा हूं जैसे जवाब मिल जाएगा। शुक्रिया चीफ, वो फोरेंसिक रिपोर्ट आ गई है। दोनों टी शर्ट सेम ही है। उनको जांच में मिले हैं टी शर्ट के ऊपर दो नकली सुनहरी बाल। मतलब विग, कोई फिंगरप्रिंट्स? पहचान करने के लायक नहीं है। ये मामला काफी उलझा हुआ है। उस कोर्ट पर भी हमें कुछ नहीं मिला। मैं पूछता हूं कि ये महक कैसी है, वो कहते हैं कि कोई महक है ही नहीं। मुझे लगता है कि टुले के पास जो लड़का है उसका इस मर्डर से कुछ तो कनेक्शन है। उम्मीद है कि शाम तक कुछ ना कुछ तो पता चल ही जाएगा। आपको सच में ऐसा लग रहा है? मुझे नहीं लगता कि गाड़ी के मालिकों में से कोई हमसे विग पहनकर मिलेगा। वाह, अच्छा मजाक था चीफ। मैं कुछ ऐसा ही पूछने वाला था। अब मेरे मजाक पहले के जैसे नहीं रहना, किसी को हंसी नहीं आती अब। वाह, आज आप बहुत शायराना हो रहे हैं चीफ। यहाँ से आगे जाके थोड़ा राइट ले लेना। ठीक है चीफ। ड्राइविंग पर ध्यान देना, सिर्फ ड्राइविंग। ये गाड़ी एक साल से यहीं खड़ी है। मालिक की कैटरेक्ट सर्जरी होनी है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ढक दूं मैं? हाँ हाँ बिल्कुल ढक दो। वो तुम्हारा दोस्त है ना? फ्लैग किस चीज का है? नाइट क्लब। जिंदगी का सफर है सुहाना है, सुहाना है सफर जिंदगी का। और कल क्या हो
मुझे तो नहीं पता कहाँ जाऊंगा मैं, मुझे नहीं पता। आज जिंदगी का सफर, ये कार तंग करने लगी है, इसकी सर्विसिंग करानी पड़ेगी। देख रहे हो कितनी मेहनत करता हूँ, सब लोग मौज कर रहे हैं सब लोग, और मेरी हालत देखो। अरे नहीं नहीं सब झूठ है। नहीं यार मैं उनको जानता हूँ, ये झूठ है। जिसने भी ये बात कही है उससे कह दो कि ये झूठ है। तुम्हें समझ नहीं आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ। मैं हर रोज़ उनके साथ होता हूँ, अच्छी तरह जानता हूँ, ये सब सुनी सुनाई बातें हैं। अच्छा ठीक है बाय। क्या हुआ चीफ? नहीं नूरी वो भी नहीं है। तो फिर कहाँ है वो गाड़ी? अभी चलो बाद में बात करेंगे। बाद में क्या बात करेंगे? मैं समझा नहीं क्या कह रहे हो। अभी बात करने में क्या प्रॉब्लम है, हर बात बाद में करेंगे। अरे अभी बात करो ना और फिर उस बात को खत्म करो। नूरी तमीज से बात करो। नहीं करूँगा चीफ, मुझे गुस्सा आ रहा है, ये क्या लगा रखा है आपने। बंद करो अपना ड्रामा। मैं ड्रामा नहीं कर रहा हूँ, मैं कल रात बैठा रहा और आपने एक लफ्ज नहीं कहा, आपने कोई बात नहीं की। क्यों आप घर नहीं गए? क्यों? मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं एक लाश की तरह आपके साथ घूमता हूँ, कोई भी बात नहीं बताते हैं आप मुझे। नूरी तुम वो बातें सुनना चाहते हो जो तुम्हें परेशान करती हैं और मुझे उदास कर देती हैं। हर चीज का एक वक्त होता है, एक वक्त होता है, एक जगह होती है। बैठ जाओ, बाद में बात करेंगे चीफ। इससे काम करना और मुश्किल हो गया। ये लीजिए कैप्टन। शेफ आपसे कुछ पूछना है, जरा बैठो बस दो मिनट। यहाँ पर डांसर बॉयज हुआ करते थे? हाँ अभी भी हैं। वो शादियों में नाचते हैं? नहीं और जगह भी नाचते हैं, एंटरटेनमेंट म्यूजिशियंस के साथ घूमते रहते हैं। प्राइवेट एंटरटेनमेंट? हाँ बिल्कुल, उनको बुलाओ तो आ जाते हैं। ऐसा फेंको और नाच देखो। बिल्कुल। आपने किया है कभी? जी नहीं, मैंने कभी नहीं किया। मेरे अब्बा शादियों में साज बजाते थे और उस पर लड़के नाचते थे। सच में? हाँ बिल्कुल, मैं उनके साथ हर शादी में जाता था। क्यों? मुझे वो माहौल अच्छा नहीं लगता था। और आपके अब्बा? वो जाते थे गर्मियों में, दूसरे शहरों की शादियों में जाते थे वो। एक आखिरी सवाल पूछना चाहता हूँ। वो मिस्टर अब्बास है ना वो रईस, उनको डांसर बॉयज पसंद है? पता नहीं, ऐसी कोई बात सुनी नहीं कभी मैंने। वो यहीं के हैं ना, वो डांस करवाने के लिए पैसे भी दे सकते हैं। वो डांस करवाने के लिए पैसे भी दे सकते हैं? मुझे नहीं लगता है डांसर बॉयज गांव में होते हैं। कोई ऐसा अमीर आदमी है जिसे बैले डांसर गर्ल की जगह डांसर बॉयज ज़्यादा पसंद हो? वो अमीर है। ऐसे लोग होते हैं, पर मैंने मिस्टर अब्बास के बारे में ऐसा कुछ नहीं सुना है। ठीक है आप खाना खाइए। क्या जरूरत थी ये सब पूछने की? मुझे लगा शायद कुछ पता चल जाए। मेरी बात सुनो और अच्छे से समझो, इस छोटे शहर में अब्बास ऐसा कुछ करते तो लोग उनके मरने के बाद भी उस बारे में बात करना बंद नहीं करते। मैं ऐसे ही एक चांस ले रहा था, हम एक गे मर्डरर को ढूंढ रहे हैं, तो सोचा पूछ लेता हूँ। तो फिर इस बारे में किसी और से भी पूछ लेते हैं, क्या कहते हो? हाँ वो तुम्हारा कार वाला दोस्त हुँ? तुमने कहा था उसकी शौक कुछ ऐसे सरकार मिल लेते हैं। इस मॉडल की यहाँ कई गाड़ियाँ हैं, रंग कौन सा है वो भी पता नहीं चल रहा, पर शायद नीली है और पेट्रोल वर्जन लग रही है। कौन बता सकता है?
रमजान नाम का एक बूढ़ा मैकेनिक है, उसने हाल ही में दुकान बेची है, उसे पता होगा। इसी मॉडल को रिपेयर करता है, इलाके की सारी गाड़ियां उसके पास आती हैं। फोन करके बता दो कि हमारे। मेरे पास नहीं है उसका नंबर, पर पास ही में अगर कहो तो मैं आपके साथ वहां चल सकता हूं। ठीक है चलो। तुम्हारी कार में एक लड़की थी, क्या चक्कर है? हाँ, वो मेरे अंकल की बहू है, मैं तो बस उसे घर छोड़ रहा था। मुझे लगा तुम्हारी गर्लफ्रेंड है और मुझे बताया नहीं। नहीं नहीं, वो मेरी गर्लफ्रेंड नहीं है। वो क्या चीज है? कहाँ पर? रुको 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 रुको, क्या हुआ, क्या दिक्कत है? ये सब क्या है? मैं इन्हें बेचता हूँ। किसको बेचते हो? इनको कौन पहनता है और कहाँ? लड़कियां इसे घर में पहनती हैं, जब वो अपने दोस्तों के साथ होती हैं तब पहनती हैं, आप नहीं जानते? और ये? ये फैंटेसी वाली चीजें हैं, वो अपने हस्बैंड्स पर इन्हें इस्तेमाल करती हैं, आजकल ये बहुत डिमांड में है। अच्छा, और इसमें पैसा भी बहुत अच्छा है, इकोनॉमी की हालत खराब है, डॉलर का रेट बढ़ता जा रहा है, आपको तो पता ही होगा। मैंने इस कार की मरम्मत कभी नहीं की। इसके मालिक को जानते हो? नहीं, मैं नहीं जानता, कैसे जानूंगा, बहुत गाड़ियां हैं। एक बात बताओ, क्या तुमने इस गाड़ी को पहले कभी देखा? एक बार एक पार्टी में लवर्स हिल गए थे हम, वहां पर देखी थी। और ये कब की बात है? बहुत टाइम हो गया। और कुछ? और क्या, मतलब कि उसे चला कौन रहा था? वो खड़ी थी, उसके अंदर एक बच्चा था, वो सोया हुआ था। उस बच्चे को जानते हो? नहीं, मैं नहीं जानता, शायद वो बच्चा टूरिस्ट था। सरकार, काम कैसा चल रहा है? अच्छा चल रहा है। बहुत दिनों से कहीं घुमाने नहीं ले गए हो, क्या बात है। ठीक है, जल्दी से प्लान बनाता हूँ। माफ कीजिएगा, यहाँ आने का कुछ फायदा नहीं हुआ। कोई बात नहीं, शुक्रिया। तो कातिल शायद वो बच्चा है, या फिर वो विक्टिम था। उसने किसी दिव्यांग बच्चे की कोई बात नहीं की, अगर वो दिव्यांग होता तो जरूर बताता, बुजुर्ग के ज्यादा भरोसा नहीं कर सकते। मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ चीफ। हाँ पूछो, क्या पूछना चाहते हो? ये जिया कौन है, आपसे क्या चाहता है? तुम्हारी जिया से बात हुई है? क्या कहा उसने? हाँ, अगर तुम मुझसे अपनी बातों का जवाब चाहते हो तो तुम्हें मेरी बातों का जवाब देना होगा। हाँ बोलो, कुछ गड़बड़ है? ठीक है, मैं वहीं आ रहा हूँ। सितारे की हालत बिगड़ गई है चीफ, मुझे यहीं पर उतार दो, मैं बाद में आता हूँ। हमेशा की तरह आज भी मेरी टाइमिंग खराब थी, उनकी जिंदगी प्रॉब्लम से भरी है। मुझे लग रहा था सितारे मरने वाले हैं, इसलिए मैं कार से उतर गया। मुझे अफसोस है, हेलो कैप्टन सैफी है यहाँ, मुझे उनका बैग देना है।
सितारे मर गई। कौन सितारे? नूरी ने मुझे बताया कि तुम यहाँ मिलोगे तो मैं तुम्हें मिलने यहाँ चली आई। अगर अकेला रहना चाहती हो तो मैं चली जाती हूँ यहाँ से। यहाँ कितनी शांति है ना, लगता है जैसे जिंदगी रुक गई। कभी कभी ऐसी जगह पर बैठकर अपनी जिंदगी के बारे में कुछ सोचना चाहिए। मैंने सोचा था कि दिन रात मेहनत करके अपराधियों को पकड़ लूंगा और इनके पकड़े जाने के बाद सितारे बहुत खुश हो जाएगी। शायद वो बहुत थक गई थी सभी और वो जाना चाहती थी। I'm sorry. को ढूंढ रहा था चीफ, मुझे अफसोस है। अच्छा रहेगा अगर उस बारे में बात नहीं करेंगे। तुम्हें बात करनी चाहिए नूरी पामिर, सवाल पूछो यही हमारा काम है। कुछ ढूंढने के लिए सवाल पूछना जरूरी है। कल मुझे आपसे वो सब नहीं कहना चाहिए था, हो सके तो वो सब भूल जाना। चलिए काम शुरू करते हैं। अब से ये काम तुमको करना होगा। वो क्यों? क्योंकि अब मैं यहां नहीं मिलूंगा, मैं जा रहा हूं। मैं इस्तीफा दे रहा हूं नूरी पामिर। Üçünde biten gonca güle minnet eylemem. Arabi, Farsi bilmem dile minnet eylemem. Sıratim üzre müstakim gözetim rahimi. Zalimin talim ettiği yola